हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज एडीटी क्लासेस। तो आज की इस सीरीज के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 3 को ही कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे देखिए, बिकॉज अगर आपको कुछ नया सीखना है तो उसके लिए आपको पिछला पुराना आपको पता होना चाहिए। ओके, हाँ माना कि ये जो सीरीज है दिस इज द न्यू पार्ट ऑफ दैट चैप्टर नंबर 2। इसको आप यूनिट 2B के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपकी प्रोजेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड है। लेकिन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 के नाम से ही जाना जाता है। तो इस केस में आपका जो है जो टॉपिक है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल जो है आपका एग्जाम में जरूर आता है। और अब इस बार लास्ट ईयर के एग्जाम में भी हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और बहुत बार पूछा गया है ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी, और किरचॉफ लॉ भी काफी बार पूछा गया है। तो बच्चा पार्टी, अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर दैट इज edeclasses@gmail.com। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए और इसको एंड तक देखते रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा किरचॉफ लॉ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब किरचॉफ जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने अपने नेम पर आप दो लॉज दिए थे, जैसे न्यूटन साइंटिस्ट ने अपने 3 लॉज दिए थे। अब आप कहेंगे कि बेचारे वो तो खुद तो चले जाते हैं और हमारे लिए लॉज और थ्योरीज छोड़ जाते हैं। तो बेटा ये थ्योरीज और ये लॉज इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे लिए हमारा खाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे डे टू डे लाइफ पे भी एप्लीकेबल होती है कहीं ना कहीं। ओके, तो देखिए अब हमारा जो पहला लॉ आता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं उसको, उसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, KCL। KCL मींस किरचॉफ करंट लॉ, और उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। 3 नाम से जाना जाता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो इनमें क्या बताया गया था, किरचॉफ ने क्या बोला था, दैट इट इज डिफाइंड एज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एंड लीविंग। जितने करंट एंटर करेगा, जितना करंट निकलेगा एक जंक्शन पॉइंट से, जंक्शन का मतलब क्या हुआ, जहां मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जितना उस मीटिंग पॉइंट से करंट एंटर होगा उतना बाहर निकलेगा, और उनका जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लू आपको, आई थिंक सो यहाँ विजिबल हो जाएगा, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये आपका जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, आपके पास I1, I2, I3, I4, I5 है, ठीक है। जितना करंट अंदर एंटर करता है उतना ही करंट क्या होगा बेटा, बाहर निकलेगा, ठीक है। अब वो कैसे बोला इसने कि जंक्शन पॉइंट पर सभी के सभी का जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना एक साइन कन्वेंशन है, जो करंट अंदर एंटर करता है, ठीक है, एंटर जब जंक्शन की पॉइंट की तरफ जाएगा तो उन करंट को हम लेके चलेंगे प्लस साइन में, I1 प्लस I2, कैसे लेके चलेंगे, प्लस का सिंबल। लेकिन जो करंट आपका क्या कर रहा है, लीव कर रहा है जंक्शन पॉइंट, जैसे I3 लीव कर रहा है, I4 लीव कर रहा है, I5 लीव कर रहा है, तो जो लीव करते हैं उनके लिए हम साइन क्या लेते हैं बेटा, माइनस साइन देते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल होता है वो, 0 के इक्वल होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल हर चीज को याद करके रखिएगा कि जंक्शन पॉइंट पर जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या होगा, बाहर निकलेगा, लेकिन आपका जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इट मीन्स अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो वो सिग्निफिकेंस किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कि जितने चार्जेस एंटर करेंगे उतने चार्जेस क्या करेंगे, लीव लेफ्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट लो, और इसको क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, यानी कि जितना एंटर हुआ और जितना लीव किया उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। आई होप आपका फर्स्ट लो आपको समझ आ गया हो। अब सेकंड आता है, सेकंड जो किरचॉफ्स ने सेकंड लॉ दिया था उस लॉ का नाम रखा गया था किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर किरचॉफ मेश लॉ, 3 नाम थे इसके। क्या क्या नाम बताया बेटा मैंने आपको, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर किरचॉफ्स मेश लॉ, ठीक है। मेश का मतलब क्या है कि एक लूप के केस में हमने काम करना। अब हमने इसमें क्या बोला कि इस केस में जो एल्जेब्रिक सम होता है हमारा ईएमएफ का, जितने भी वोल्टेजेस हैं, जितने भी ईएमएफ हैं, क्लोज लूप
के अंदर वो कैसे होते हैं, जीरो के इक्वल होता है, यानी कि सारे वोल्टेज और सारे ही ईएमएफ वो किसके इक्वल होगा, इसका लॉगरिथम जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, और आपको पता है ओम्स लॉ से बी किसके इक्वल होता है बेटा, आई आर के इक्वल होता है, v is equal to ir, तो summation of e plus summation of ir is equal to zero, तो ये आपका किरचॉफ सेकंड लॉ बताता है। अब ये आया कैसे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अब मैं वो बता रही हूँ आपको। देखिए आपके पास ये फिगर है, आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग बनाना है। आपके एग्जाम में अगर आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है किरचॉफ सेकंड लॉ से पूछे जाते हैं। उसमें क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में आपको फिगर्स गिवन होती हैं, लेकिन कुछ केसेस होता है जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा होता है, फिगर आपको खुद बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको मैंने फिगर बना के दी कि तीन रेजिस्टेंसेस हैं, तीन रेजिस्टेंस में से दो रेजिस्टेंस को तो ईएमएफ से कंबाइन कर रखा है और एक रेजिस्टेंस को हमने ईएमएफ से कंबाइन नहीं किया। ठीक है, अब ध्यान से समझना है इस फिगर को। अब ईएमएफ का पॉजिटिव साइन यहाँ है, नेगेटिव साइन यहाँ है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, ये आर वन आर टू और आर थ्री रेजिस्टेंस हमने लिए। अब करंट जो है यहाँ से आई वन जा रहा है, पहले यहाँ से करंट कितना जा रहा है, ई वन से आर वन से आई टू। ठीक है, इस पॉइंट के आगे जंक्शन पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, बी पॉइंट इज नोन एज योर जंक्शन पॉइंट। ये बी पॉइंट कैसा है बेटा, आपका जंक्शन पॉइंट है, और यहाँ से इस ईएमएफ से सेकंड करंट जा रहा है आई टू यहाँ से, और ये यहाँ पे क्या हो गया, जंक्शन पॉइंट हो गया। अब बी पॉइंट पे जाने के बाद आप मुझे ये चीज बताइए कि जब भी कोई चीज इस जंक्शन पॉइंट पे जाएगी, आई एम रेजिंग दिस पार्ट क्योंकि मुझे बताना है स्पेस कम है। ठीक है, अब कोई चीज अगर जंक्शन पॉइंट पे जाती है तो मुझे एक चीज बताइए, यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2, और ये जंक्शन पॉइंट हो गया और एक ये लाइन जा रहा है। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे जो करंट जाएगा वो डिफरेंट रहेगा, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जाएगा I1 प्लस I2। क्या मैं इसको I3 नेम दे सकती हूँ, दे सकती हूँ, है ना, यहाँ से करंट जा रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2, और इस पॉइंट पे क्या जाएगा I1 प्लस I2, और इसको नेमिंग क्या दे दिया हमने, I3 दे दिया। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई EMF नहीं है, इसलिए करंट यहाँ से ऐसा कुछ नहीं जा सकता, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको KVL रूल लगाना होता है या फिर मेश लूप लगाना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में अगर हमने जाना है तो वो डायरेक्शन करंट की को तो बेटर है, क्योंकि अगर अपोजिट जाएंगे तो वो माइनस साइन में आपसे मिस्टेक होगी। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप करंट के डायरेक्शन में मूव करें। अब आपका एक करंट के डायरेक्शन में आपने मूव किया, आपने क्या लिया, लूप लिए, इसके अंदर पहला लूप लिया ए बी ई एफ ए, फर्स्ट लूप लिया आपने ऊपर वाला ए बी ई एफ ए। देखिए मैंने एरो भी ऐसी तरह लगा रखी है साइक्लिक। ठीक है, अब आपने क्या किया, पहले जाना है यहां से, देखिए रेजिस्टेंस आर वन आ रहा है, ठीक है, करंट कितना आ रहा है आई वन, हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इट मीन जब हम करंट के डायरेक्शन मूव करेंगे तो हमारे पास सिंपल कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आई वन आर वन, क्योंकि हमने क्या बोला समेशन ऑफ वी प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, है ना, वी क्या होता है आई आर होता है, इसलिए हमें आई आर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आई वन आर वन। अब उसके बाद नीचे गए, यहां से भी करंट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी एफ डायरेक्शन में। अब करंट जो है यहां से जाता है आई थ्री, और रेजिस्टेंस भी कितना है आर थ्री, सेम डायरेक्शन है, तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का सिंबल देना पड़ेगा। ये हो गया प्लस सिंबल आई थ्री आर थ्री, ठीक है, वोल्टेज हो गया आई थ्री आर थ्री। अब हम ऊपर के डायरेक्शन जा रहे हैं तो सबसे पहले सिंबल कैसा आया बैटरी का, सेल का नेगेटिव साइन आया ईएमएफ का। ठीक है, तो आप यहाँ लेंगे नेगेटिव साइन, और ये हो गया ई वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ओके बच्चा, अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए, अगर कहीं पे भी दिक्कत आते तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम ये कॉन्सेप्ट दोबारा बताइए, तो हम उनको बताते हैं, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, I1 R1 ये जो हमारी इक्वेशन आई थी इसके अंदर I3 की वैल्यू पुट कर दी I1 प्लस I2। ये आपने देखा कि I3 जो है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल था, तो जहां पर भी I3 है उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, I1 प्लस I2 पुट कर दिया। यहां तक हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। ओके, अब हमने अप्लाई करना अगेन KVL रूल इन द सेकेंड लूप। ठीक है, सेकेंड लूप हमने ले ली ये वाली, यहां से ये हो गया सी बी ई डी सी। देखिए मैंने साइक्लिक लूप अपना रखा। ठीक है, अब जब यहां से जा रहे हैं सी से करंट कौन सा जा रहा है, आई3 जा रहा है, आई3 आर3 कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव ले लिया क्योंकि सेम डायरेक्शन हम जा रहे हैं आई3 आर3। अब जब हम नीचे आ रहे हैं तो सिंबल कैसा आ रहा है, माइनस का, तो माइनस ई टू आ गया आपका, माइनस ई टू। अब जब इधर जा रहे हैं तो सेम करंट के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं आई2 आर2, तो ये भी कैसा आएगा, प्लस आएगा, तो प्लस आई2 आर2 प्लस आई3 आर3 माइनस ऑफ ई2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जहां पर भी आपका I3 है वहां पे आप क्या पुट करेंगे बेटा,
वहां आप पुट करेंगे आई वन प्लस आई टू, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, ठीक है। जहां भी आपका आई थ्री है प्लेस पे आपने क्या पुट कर दिया, आई वन प्लस आई टू। तो ये होगी सेकेंड इक्वेशन। देखिए पहले यहां तक समझिए, अगर नहीं समझता तो पूछिए दोबारा से, देख लीजिए। ओके देखिए, तो अब हमने क्या किया, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें आई और ई की वैल्यू निकालनी है, मतलब वी की वैल्यू निकालनी है। तब हम कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, कैसे मतलब वो करेंगे हम। आपने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया। जब आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन तो आपको एज इट इज है, सेकंड इक्वेशन एज इट इज है, माइनस करने पर आपको पता है प्लस का सिंबल होता है तो आपके साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। हमारे सीधा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। अब आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सिर्फ क्या रह गया, आई वन आर वन माइनस का सिंबल माइनस आई टू आर टू, ये हो गया माइनस ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू जीरो। अब एक चीज याद रखिए, आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू, ये होता तो समेशन ऑफ आई आर ही है ना, ये तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर, अपोजिट डायरेक्शन हो तब हम माइनस साइन देते हैं, अदरवाइज ये क्या है हमारे पास, एक तरह से आई आर तो है समेशन ऑफ आई आर। सिमिलरली जो आपका ई एम एफ है, ई टू माइनस ई वन, ये क्या है आपका समेशन ऑफ ई तो है, ठीक है। तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इस आई आर को हम कंसिडर करेंगे समेशन ऑफ आई आर, और ई टू माइनस ई वन को कंसिडर करेंगे हम समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। और यही हमारे क्या थे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का सेकेंड प्रूफ था। और इसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप कहेंगे तो आई विल पुट इट ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आप पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे करवाती हूँ। आई होप आपने दे लिया हो, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने आपको बताया था कि इस बार भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में आपका होता क्या है, देखिए ब्रिज है, ठीक है, व्हीटस्टोन ऑब्वियसली बात है नाम है साइंटिस्ट का, उसने अपने नेम के अकॉर्डिंग दे दिया, एक टॉपिक दे दिया व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से। और ब्रिज क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम डायग्राम लेंगे वो एक ब्रिज की फॉर्म में लेंगे। कैसे फॉर्म में लेंगे, ब्रिज की फॉर्म में। आपने क्या लिया, एक ब्रिज की फॉर्म में एक डायग्राम लिया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कहता क्या है कि ये जो है अरेंजमेंट, ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सके। क्या कैलकुलेट कर सके, एक अननोन रेजिस्टेंस को हम क्या कर सके, कैलकुलेट। तो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। किसका यूज करते हैं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब इसका एक प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारे पास इसके अंदर चार रेजिस्टेंस होते हैं इस ब्रिज के अकॉर्डिंग, देखिए एक होता है आपके पास ये P, ये Q, ये R और ये S, चार रेजिस्टेंस होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब ये रेजिस्टेंस बैलेंस कब होंगे, P by Q is equal to R by S कब इक्वल होगा, जब हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से कोई भी करंट पास आउट नहीं होगा, तब होगा। ये वैसे एक्सपेरिमेंटल पार्ट है आपका, आप अपने फिजिक्स लैब के अंदर भी देखेंगे लेबोरेटरी में किस तरह से हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो होना चाहिए, नेट डिफ्लेक्शन शो होनी चाहिए, कैसे होता है, ठीक है, ये आप देखेंगे। तो इस केस में क्या बोला, इसका प्रिंसिपल क्या है कि P by Q R by S के इक्वल तब होगा जब आपका गैल्वेनोमीटर इसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि P by Q R by S के इक्वल कैसे आया। तो इसके अंदर हमने क्या लिया, चार ले लिए कुछ इस तरह के, ये यहाँ पे हमने क्या ले लिया, चार रेजिस्टेंस ले, एक यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक बीच में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले लिया जी, ठीक है। इन रेजिस्टेंस का नाम ले लिया P, Q, R और ये S, ओके। अब यहां से करंट जा रहा है, यहां से आई करंट मूव कर रहा है। जब ये आई करंट जाएगा इस जंक्शन पॉइंट पे, ए पॉइंट पर, आपके पास वो करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ये पैरेलल में हो गए, ठीक है। आई वन करंट यहाँ गया और यहाँ पे कितना गया, आई करंट यहाँ से जा रहा था, आई में से आई वन माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या कितना चला गया, आई माइनस आई वन चला गया, ठीक है, आई में से। अब ये हो गया आपके पास, ऊपर जो करंट जा रहा है वो आई वन है, नीचे जो करंट आ रहा है वो है आई माइनस आई वन, कितना करंट है बेटा, आई माइनस आई वन। अब यहां से देखिए, जब ये ऊपर जाएगा करंट इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर आकर, गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है आई जी, आई जी करंट नीचे है, आई वन जा रहा है ऊपर, कोई करंट नीचे जा रहा है भी ऊपर जा रहा है, तो आपके पास जो इस डायरेक्शन में करंट जाएगा वो क्या जाएगा, उसमें से उसको माइनस ही करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है आईजी का करंट। तो हमने क्या करा, आई वन माइनस आईजी इस पार्ट में भेज दिया करंट को, ठीक है।
अब यहां से जो करंट आ रहा था वो कितना था, आई में से आई वन माइनस करके यहां पे आया। इस डी पॉइंट के बाद, डी पॉइंट के बाद ध्यान से सुनिएगा, आई माइनस आई वन यहाँ आ रहा था, आई जी यहां से आ रहा था, यानी कि दोनों मिल गए और आपके पास उस पाथ में कौन सा करंट चला गया, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, क्योंकि आई जी सेम पाथ में आ रहा था। ठीक है, तो हो गया आई माइनस आई वन प्लस आई जी। ठीक है, और यहाँ पे आके दोबारा से क्या हो गया, आई करंट फ्लो कर जाएगा। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया हो, क्योंकि डायग्राम जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपको डेरिवेशन समझ नहीं आएगी। आई होप समझ आ गया हो आपको। अब देखिए, अब हमें अगेन क्या करना है, इसमें केवीएल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, पहले हमने मैच लिया केवीएल रूल ए बी डी ए, ए बी डी ए। ठीक है, ए से बी तक करंट जा रहा था आई और आपके पास रेजिस्टेंस कितना है पी, सेम पाथ में जा रहे हैं तो हमने क्या ले लिया, पी आई वन ले लिया सेम पाथ में। ठीक है, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, करंट भी नीचे आ रहा है तो आई जी जी है, तो ये हो गया आई जी जी प्लस का। ठीक है, फिर हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं लेकिन करंट कहाँ आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है एडी में। अब यहाँ पे सिंबल कैसा हो गया, माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन लिया, करंट आ रहा था आई माइनस आई वन इंटू रेजिस्टेंस था आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिमिलरली अब हमने मैच नो लगाया इस लूप के अंदर। ठीक है, बी डी सी या फिर सी बी डी सी इसके अंदर। अब देखिए यहां से अगर हम ऊपर जा रहे हैं रेजिस्टेंस कितना है एस। ठीक है, और करंट कितना जा रहा है आई माइनस आई वन प्लस आई जी, सेम डायरेक्शन है करंट की। जब सेम डायरेक्शन है तो हम क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे, प्लस एस इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई जी। अब ऊपर डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन करंट कहाँ आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है करंट नीचे। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर डायरेक्शन में, तो इट मीन्स माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस रेजिस्टेंस आपके पास क्यों आई वन माइनस आई जी। ठीक है, फिर हम इस पाथ में आते हैं, करंट भी सेम पाथ में है तो ये हो जाएगा प्लस जी इंटू जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई होप ये सेकंड इक्वेशन भी आपको समझ आ गई हो। अब हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बोला था कि पी बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल कब होगी, जब करंट जो है गैल्वेनोमीटर में वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, आई जी को जीरो पुट करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन में भी सेकंड इक्वेशन में भी। जब आप आई जी को जीरो पुट करेंगे यानी कि ये टर्म तो आपकी जीरो हो गई, तो आपके पास क्या रह गया, पी आई वन ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आर इंटू आई माइनस आई वन एज इट इज आ गया। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में आप आई जी को पुट करेंगे, जहां जहां आई जी है वहां पे क्या पुट करेंगे आप, जीरो पुट करेंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो हो गया आपके पास। तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपके पास, माइनस क्यू आई वन और एस इंटू आई माइनस आई वन, क्यू आई वन इज इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई वन रह गया। ठीक है, आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गया, आपके पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देख भी रहे हैं p by q i1 से i1 कैंसिल, p by q as it is रह गया, r into i minus i1 और s into i minus i1 कैंसिल हो गया, r by s रह गया। तो क्या हमने यहां से गैल्वेनोमीटर को जीरो रखने के बाद जो हमारे पास इसका रिजल्ट आया वो क्या आया, p by q is equal to r by s, और यही किसका रिजल्ट था हमारा, किसका प्रिंसिपल था, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इट। यस, इसमें कुछ नोट देखिए बेटा, वन मार्क्स में कई बार पूछा जाता है कि आई जी जीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कि गैल्वेनोमीटर जो है आ रहा है यहाँ बीच वाला, अगर इसमें से करंट जीरो हो गया तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो नल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नल डिफ्लेक्शन। और नल डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है, क्यों हुआ वो नल डिफ्लेक्शन, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस ये पोटेंशियल टर्मिनल था, ये वाला बी और डी पार्ट, वहां पर टर्मिनल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर बी पोटेंशियल यहाँ पर है तो बी पोटेंशियल वहां पे भी मिलेगा आपको, जिसकी वजह से उसका जो करंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नोट आपका आता है कि ये एप्लीकेबल है सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस के लिए जहां पर पी बाय क्यू किसके इक्वल आएगा, आर बाय एस के इक्वल आएगा। और थर्ड पार्ट आपको क्या बताया गया है कि अगर हम इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, ईएमएफ की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दें और गैल्वेनोमीटर की जगह हम क्या लगा दें, ईएमएफ लगा दें, तब भी इसके ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई जी का पार्ट तो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटरचेंज करने का। ये वन मार्क्स के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं नोट में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपका आई थिंक सो ज्यादा क्लियर हो गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लेना है। चलिए,
होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के से ही मिलता जुलता आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज नोन एज मीटर ब्रिज, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस है हमारा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बाद जो आपका टॉपिक आएगा दैट इज अ पोटेंशियोमीटर और उसके एप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको आप हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में करेंगे, बिकॉज मेरी आदत नहीं है कि मैं वीडियो को लंबा बनाऊं, अदरवाइज आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई डोंट नो मैक्सिमम फन, मुझे फन करना नहीं आता इतना, तो प्लीज आप लोग बोर मत होइएगा इतना। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। देखिए बेटा, अब आता है आपका मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। देखिए नाम से पता चल रहा है स्लाइड वायर ब्रिज, यानी कि अगर हमारे पास एक वायर है उसके ऊपर हम कुछ किसी चीज को क्या करते हैं स्लाइड करते हैं, तो और वो हमारा ब्रिज का काम करता है, ठीक है। इसको मीटर ब्रिज भी बोल सकते हैं या फिर स्लाइड वायर ब्रिज भी बोल सकते हैं, ओके। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सेटअप जो है वो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, जैसा कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी निकाला था, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन WSB, WSB मींस व्हीटस्टोन ब्रिज, which means that if P by Q is equal to R by S, then no current will flow through the galvanometer, that is IG is equal to zero. ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी किया था। प्लीज आप WSB मत लिखिएगा इसके अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज ही पूरा लिखिएगा इसके अंदर, ओके। तो इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक मीटर स्केल टाइप बहुत थिक वो होता है, स्ट्रिप्स होती हैं, हम थिक स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम दो रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक है R, एक है S। एक हम पता होता है अननोन रेजिस्टेंस और एक होता है नॉन रेजिस्टेंस हमारे पास, और हमें क्या करना पड़ता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। और हमारे सेटअप के अंदर एक स्केल लगा होता है जो 100 सेंटीमीटर का होता है, और उस 100 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर हमारे पास इस पॉइंट पर एक क्या बोलते हैं उसको, नोब होती है, जिसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, उसका एक एंड को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को जोकी से कनेक्ट करते हैं। अब जोकी जो है हमारा एक तरह से पेन टाइप होता है, कुछ इस तरह का होता है, अगर आप देखें कुछ इस तरह का होता है जोकी, ठीक है, जिसके एक एंड को हम यहाँ से क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड इस नॉब से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये पेन है, इस स्केल के ऊपर जो 100 सेंटीमीटर का स्केल है इसके ऊपर एक वायर होती है, बहुत पतली सी वायर होती है। अब वो वायर जो है उसके ऊपर आप क्या करते हो, उस जोकी को स्लाइड करवाते हो, क्या करवाते हो स्लाइड। अब किसी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर ऐसा एक लिमिट आती है जहां पर आपका गैल्वेनोमीटर जो है नल डिफ्लेक्शन शो करता है, किसी भी पॉइंट पर। सपोज करिए हमने ये पॉइंट ले लिया जे पॉइंट, जिसके ऊपर जो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो हम उसकी लेंथ को ले लेते हैं एल, जहां पर भी नल डिफ्लेक्शन शो हुआ वहां पे क्या ले लिया एल ले लिया। और जो दूसरा पार्ट है जे से लेकर बी तक का, अब ये 100 था, 100 में से एल गया तो कितना हो गया 100 माइनस एल हो गया आपके पास, सेकंड पार्ट हो गया एल, इट मींस ये आपका एक और अननोन रेजिस्टेंस हो गया पी और ये की हो गया आपके पास क्यू, ठीक है। रेजिस्टेंस आर है इस वायर का, हमने क्या ले लिया इस पार्ट को पी ले लिया, इस पार्ट को क्यू ले लिया। तो अब हम इसकी वर्किंग कैसे निकालते हैं बेटा, हम निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए जे, हमने ए जे रेजिस्टेंस वायर का निकाला और उसका नाम क्या दे दिया हमने पी नाम दे दिया, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है पी बाय क्यू आर बाय एस के इक्वल होता है, याद हो तो एक पार्ट पी है एक पार्ट क्यू है और आर एस तो हमारे पास है ही ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या किया रेजिस्टेंस ऑफ ए जे वायर लिया पी और ये लेंथ क्या है आपके पास एल और इसके रेजिस्टेंस कितनी है आर, तो हमारे पास क्या हो गया इसका एल इंटू आर हो गया पी, ठीक है, लेंथ एल है आर इसका रेजिस्टेंस तो एल इंटू आर। सिमिलरली अगर हमें ये लेंथ निकालनी है बीजे की रेजिस्टेंस निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 100 माइनस एल, इसकी लेंथ है और इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, ठीक है। अब हमें पता है कि जीरो डिफ्लेक्शन पर नल डिफ्लेक्शन पर पी बाय क्यू किसके इक्वल होता है बेटा आर बाय एस के इक्वल होता है, तो जहां पर भी पी है उसकी जगह आप पुट करेंगे एल आर, जहां पर भी क्यू है उसकी प्लेस पर आप पुट करेंगे 100 माइनस एल इंटू आर, इट इज इक्वल टू और ये आर और एस तो एज इट इज आएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या निकालना है अननोन रेजिस्टेंस निकालना है और अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है एस है, ठीक है, हमने क्या करा एस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जो ये एस है वो एस किसके इक्वल होगा, यहाँ से आप कर सकते हैं एस इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल इंटू आर बाय एल, ठीक है, क्योंकि आर से आर तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आप एस निकाल सकते हैं एंड दिस एस इज नोन एज योर अननोन रेजिस्टेंस, ये एस क्या है बेटा आपका अननोन रेजिस्टेंस है। तो यहां से आपने मीटर ब्रिज से देखा कि अननोन रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपके पास
आर दे रखा होगा, एल लेंथ दे रखी होगी, तो आप इजिली आप उससे क्या निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ नोट पॉइंट हैं, वो नोट पॉइंट क्या होते हैं आपके पास, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो नोट पॉइंट में हम क्या करते हैं कि जो थिक, जो ये थिक स्ट्रिप्स हैं, थिक स्ट्रिप्स थिन स्ट्रिप्स के प्लेस पर क्यों यूज की जाती है, एनी आइडिया? थिक स्ट्रिप इसलिए यूज की जाती है क्योंकि अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, लीस्ट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर। ठीक है, अगर एरिया ज्यादा तो जो आपका रेजिस्टेंस है कनेक्टिंग वायर्स का वो क्या हो जाएगा, इट विल बी लीस्ट, इसलिए हम इसका थिक स्ट्रिप्स यूज करते हैं। सेकेंड केस इसमें क्या आता है, सेकेंड नोट आता है कि मीटर ब्रिज कैन नॉट बी यूज टू कैलकुलेट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। किसी भी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस को यूज करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज की जाती है, जो कि हमें अननोन रेजिस्टेंस के बारे में बताया। ठीक है, और थर्ड केस ऐसा होता है कि अगर हम आर और एस की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तब हमारे पास क्या होगा, उस केस में आप ऐसा कर सकते हो, ये सिर्फ आर बाय एस की जगह क्या हो जाएगा बेटा, आर एस बाय आर हो जाएगा, और उस केस में आप उसका वो निकाल सकते हो, आर की वैल्यू निकाल सकते हो। इट इज सिंपली, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर हम एस और आर को रिप्लेस कर दें एक दूसरे से तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप उसका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग आप उसको पुट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए हो आज के। अगर आपको आज के इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल आईडी, दैट इज ledclasses@gmail.com। और साथ में प्लीज 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 आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती रहे और साथ में उन लोगों का भी क्या हो, फायदा हो, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, कहीं पर भी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो हमारी वीडियो के थ्रू पढ़ सके। और साथ में प्लीज आप जितना लाइक करें शेयर करें, और सबसे मेन थिंग सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास एक छोटा सा बेल का आइकन होगा, प्लीज आप उसे प्रेस करिए, ताकि हमारे चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन है आप तक मिलती रहे। तो प्लीज प्लीज आप करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप हमें ब्लेसिंग्स देंगे उतना ज्यादा हम भी ग्रो करेंगे, एंड उससे बड़ी खुशी हमें क्या होगी अगर हमारी वीडियोस जो हैं आप तक दूर दूर तक पहुंच रही हैं। तो प्लीज आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और प्लीज हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।